केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार है। अब नगर निगम भाजपा को बनाकर इसे तीन इंजन का किया जाता है तो अथाह विकास होगा। केंद्र से ना तो धन की कमी पहले आई है और ना ही आने देंगे। धर्मशाला सुंदर शहर है, यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। ये सुविधाएं तभी बढ़ेंगी अगर नगर निगम भाजपा की होगी। कांग्रेस सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। धर्मशाला नगर निगम कांग्रेस का था। यहाँ पर जब भी विश्व स्तर का मैच करवाने का प्रयास किया गया तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। धर्मशाला में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की बनी हुई है। विश्व स्तर के आयोजन के दौरान यहाँ आने वाले सैलानियों से पर्यटन को बूस्ट मिलता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर सुविधाएं भी उस स्तर की दी जाए। इस साल फिर से विश्व कप मैच का आयोजन यहाँ करवाना चाहते हैं। धर्मशाला में सुविधाएं बेहतर हो ताकि यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा मिले, वो लोगों का व्यवसाय भी चमके। धर्मशाला को फिर से दुनिया के सामने दिखाने का मौका आया है। ऐसे में इससे पहले जो काम चल रहे हैं वे जल्द पूरा करने होंगे और इसके लिए धर्मशाला में नगर निगम भाजपा की बनानी होगी। अगर स्थानीय निकाय कॉरपोरेशन अगर वो क्षमता नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ शक्ति नहीं थी पैसे को खर्च करने की, शायद वो नोट भी देखते होंगे कि बीजेपी वालों ने पैसा भेजा, खर्च नहीं करना है। तो मैं धर्मशाला की जनता से आग्रह करने आया हूं कि मोदी सरकार का जो मुझे वित्त राज्य मंत्री के रूप में, आप कह लीजिए खजाना मंत्री के रूप में एक अवसर मिला है, मोदी सरकार के खजाने से हिमाचल के लिए कोई कमी ना पहले आई ना आ जाएगी। लेकिन जो कमी बीच में कॉरपोरेशन के स्तर पर यहाँ पर खर्च करने की है, आज जनता के पास वो अवसर आया है कि धर्मशाला को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें, हमारे सभी कैंडिडेट्स को जिताएं, बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर हम कॉरपोरेशन बनाएं। क्या एक्सपीरियंस दुनिया भर के लोग धर्मशाला में आके कैसा करें कि स्मार्ट सिटी कैसी हो, स्मार्ट सिटी का पैसा उससे पहले खर्च कैसे हो। ये पैसा खर्च नहीं हुआ तो स्थानीय कॉरपोरेशन की वजह से, यहाँ पर जो विकास रुका तो स्थानीय कॉरपोरेशन की वजह से। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ अगर सही मायने में हमें धर्मशाला को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का अवसर आया है तो एक बहुत बड़ा आयोजन हमारा इंतजार कर रहा है। तो उससे पहले क्या हम जो कमी पिछले कुछ वर्षों में स्मार्ट सिटी के कदम ना उठा पाए उसमें या बाकी विकासात्मक कार्यों में रही, क्या हम उसको जल्द पूरा कर सकते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केंद्र से पैसा भी पूरा आएगा, प्रदेश से जयराम जी भी भेजेंगे और यहां पर खर्च कराने के लिए अगर कॉरपोरेशन पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की हम बनाते हैं तो जो पिछले 5 साल की कमियां हैं हम उनको भी पूरा करके देंगे। मैंने किशन कपूर जी से, राकेश पठानिया जी से, इनसे भी बात की और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी यहां पर हैं। हम आज भी सुबह चर्चा कर रहे थे कि अगले कुछ महीनों में कितनी तेजी के साथ हमें काम करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के आयोजन से पहले भी, और जो स्मार्ट सिटी की कमियाँ यहाँ की कॉरपोरेशन की वजह से रह गई, जो पैसा खर्च नहीं हो पाया, उसको भी अब कैसे तेजी के साथ करके हम देश की जो सबसे पहले बनने वाली स्मार्ट सिटीज है उनमें नाम खड़ा करेंगे।